नमस्कार दोस्तों, झारखंडी जोहार। दोस्तों, आज कैबिनेट में नियुक्ति नियमावली को हरी झंडी मिल गई है। अब झारखंड में नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है। दोस्तों, यहां पर मैं बात करूंगा कि आज के कैबिनेट में जो नया नियुक्ति नियमावली आया है, इसमें क्या क्या बदलाव हुए, कैसी अब आपको तैयारी करनी है, इन सारी बातों पर हम चर्चा करेंगे, विस्तार से चर्चा करेंगे। तो चलिए, हमारे साथ आप बने रहिए। पहला बात, चाहे वह 10th लेवल का एग्ज़ाम हो या इंटर लेवल का, प्लस टू लेवल का एग्ज़ाम हो या फिर ग्रेजुएशन लेवल का एग्ज़ाम हो, तीनों में से पीटी को हटा दिया गया। किसमें? जेएसएससी वाले में। जेपीएससी की बात यहाँ पर नहीं हो रहा है, इसलिए जेपीएससी की बात आप लोग नहीं समझेंगे। जेएसएससी झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा जो जो नियुक्ति होती थी, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा, इसमें पीटी को हटा दिया गया है। अब केवल एक एग्ज़ाम मेंस होगा और इसी के आधार पर लोगों की नियुक्ति होगी। पहला बदलाव। दूसरा बदलाव हुआ है कि नियुक्ति में जो स्थानीय लोग हैं, स्थानीय रीति रिवाज को जानने वाले, स्थानीय परिवेश को जानने वाले, स्थानीय ज्ञान को जानने वाले, इन लोगों की प्राथमिकता मिलेगी। इन चीज़ों का ज्ञान होना अनिवार्य होगा। मतलब आपको अब स्थानीय रीति रिवाज, परिवेश, ज्ञान, ये सब जानना जरूरी हो गया है। लोकल चीज़ें जानना जरूरी हो गया है। तीसरा चीज, अब जेएसएससी के एग्ज़ाम में जो मेंस एग्ज़ाम होगा उसमें तीन पेपर होंगे। पहला पेपर भाषा का होगा। पहला पेपर किसका होगा? भाषा का होगा। भाषा में हिंदी और अंग्रेजी के सवाल रहेंगे, क्वेश्चंस रहेंगे। इसमें आपको दोनों से जोड़ करके 30% लाना अनिवार्य है। ये केवल क्वालिफाइंग है। ये मेरिट बनते समय ये अंक को जोड़ा नहीं जाएगा। ये केवल क्वालिफाइंग है। हिंदी और अंग्रेजी दोनों मिला करके 30% लाना है। इसके पहले क्या होता था कि हिंदी में अलग 30% और अंग्रेजी में अलग 30% लाना होता था। ये अब दोनों मिल करके 30% लाना होगा। क्लियर हुआ? पेपर टू जो होगा वो क्षेत्रीय भाषा या जनजातीय भाषा का होगा। इसमें 12 भाषाओं को स्वीकृति प्रदान किया गया है। इनमें कौन कौन सा भाषा है? 12 में उर्दू, संथाली, बंगला, मुंडारी, हो, कुड़ुख, खड़िया, कुरमाली, खरठा, नागपुरी, पंच परगनिया और बरहवा है उड़िया। मतलब इन्हीं 12 में से एक आपको विकल्प के रूप में चुनना पड़ेगा। यहाँ पर 12 में से आपको
एक कोई भाषा चुनना पड़ेगा, जनजातीय या क्षेत्रीय भाषा। ये ग्रेजुएशन लेवल के मतलब राज्य स्तरीय का जब बहाली होगी, राज्य स्तरीय बहाली होगी JSSC के द्वारा, उस समय आपको इन 12 क्षेत्रीय भाषा या जनजातीय भाषा में से एक आपको लाना, एक चुनना पड़ेगा। और इसमें आपको कम से कम 30% मार्क्स लाना पड़ेगा। यहाँ पर प्रश्नों की संख्या कितनी रहेगी, सिलेबस क्या होगा, इसकी जानकारी हम आप लोगों को बाद में देंगे, कल के वीडियो में, कल के लेक्चर में। प्रश्नों की संख्या कितनी होगी, साथ में सिलेबस क्या होगा, कौन कौन सा टॉपिक का, जैसे खोरठा में क्या क्या पूछा जाएगा, पंचवर्गनिया में क्या क्या पूछा जाएगा, नागपुरी में क्या क्या पूछा जाएगा, तो ये हम आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो यहाँ पर 30% लाना जरूरी है। और जो तीसरा पत्र होगा वह होगा सामान्य ज्ञान की, सामान्य ज्ञान की, इसमें भी आपको 30% लाना जरूरी होगा। ये दोनों मिलकर के आपका मेरिट बनाएगा, ये दोनों मिलकर के मेरिट बनाएगा, दोनों मेरिट के लिए जुटेगा। पहला पेपर जो हमने आपको बताया कि पहला पेपर भाषा का होगा, ये मेरिट में नहीं जुटेगा, लेकिन जो संथाली भाषा है या क्षेत्रीय भाषा है या जनजातीय भाषा है और सामान्य ज्ञान है, इन दोनों को जोड़ करके मेरिट लिस्ट में मेरिट बनेगा, कट ऑफ यहाँ से निर्धारण होगा। तो यहाँ पर एक चीज़ समझिए कि क्षेत्रीय भाषा का महत्व बहुत ज़्यादा बढ़ गया, क्षेत्रीय भाषा का महत्व बहुत ज़्यादा बढ़ गया। अब सामान्य ज्ञान में सिलेबस क्या होगा, कितने मार्क्स के सामान्य ज्ञान होंगे, प्रश्न कितना होगा, इसमें झारखंड से प्रश्न रहेंगे या नहीं रहेंगे, गणित रहेगा या नहीं रहेगा, रीजनिंग रहेगा या नहीं रहेगा, इन सारी जानकारी हम कल के वीडियो में आप लोगों को देने वाले हैं। कितना रहेगा तो कितना मार्क्स का रहेगा, यानी पाठ्यक्रम पूरा का पूरा पाठ्यक्रम हम आने वाले वीडियो में हम आपको देंगे। अब यहाँ पर एक चीज़ और बताया है, जो जिला स्तरीय नियुक्ति होगी JSSC के द्वारा, उसमें क्षेत्रीय भाषा या जनजातीय भाषा प्रत्येक जिला के लिए चिन्हित रहेगा, और उसी चिन्हित में से आपको चुनना पड़ेगा। जैसे गिरिडीह, मान लीजिए गिरिडीह के लिए यदि खोरठा रहता है और संथाली रहता है, तो आप दोनों में से जो जानते हैं खोरठा या संथाली, दोनों में से एक आपको चुनना ही पड़ेगा। आप चाहेंगे कि नागपुरी हम चुने या फिर उर्दू चुने, तो ऐसा संभव नहीं होगा। जिस जिला के लिए जो क्षेत्रीय भाषा या जनजातीय भाषा चिन्हित रहेगा, अब कौन सा क्षेत्रीय भाषा जनजातीय भाषा किस जिला के लिए चिन्हित होगा, ये आने वाले वीडियो में हम आपको बताएंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। हाँ, एक चीज़ हम आपको कहेंगे कि अब आप लोगों का JSSC के द्वारा नोटिफिकेशन जल्दी देखने को मिलेगा, बहुत जल्द नोटिफिकेशन मिलेगा। अब आपको क्या करना है, तैयारी प्रारंभ कर देनी है। चाहे आप 10th लेवल की कर रहे हो, 12th लेवल की कर रहे हो, या ग्रेजुएशन लेवल की कर रहे हो, लेकिन आपको तैयारी JSSC का कर देना चाहिए। देखिए, हमारे यहाँ भी अब नया बैच स्टार्ट होने वाला है, हमारे इंस्टीट्यूट के द्वारा भी नया बैच स्टार्ट होगा।
नया बैच स्टार्ट होगा 1-2 दिनों के अंदर। ऑनलाइन बैच घर बैठे तैयारी कर पाएंगे, घर बैठे जहां पर आप हैं वहीं से तैयारी कर पाएंगे। इसके लिए हम आपको बेहतरीन नोट्स देंगे, हम आपको लाइव क्लास देंगे, बेहतरीन सेट्स देंगे, रिवीजन के लिए मैराथन क्लास देंगे। तो ये सारा कुछ हमारा जो हमारे इंस्टीट्यूट के अनुभवी लोग हैं, जिन लोगों ने अभी तक बढ़िया रिजल्ट देते आ रहा है झारखंड में। यदि आप टीचिंग यूट्यूब चैनल देखेंगे तो सबसे बड़ा यूट्यूब चैनल हमारा है, हमारा संस्था का है। हम लोगों ने बहुत अच्छा रिजल्ट अभी तक दिया है और बेहतर रिजल्ट देंगे। तो आप चाहें तो हमारे साथ में जुड़ करके बहुत कम फी में तैयारी कर सकते हैं, बहुत कम फी लगेगा। हमसे जुड़ने के लिए ये हमारा ऐप है SB एग्जाम, जो पीला कलर का आपको दिखाई पड़ेगा। प्ले स्टोर से डाउनलोड करके आप यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर वगैरह डालिए, फिर स्टोर में जाइए, आप अपना कोर्स को चुनिए, फी जमा करिए और क्लास स्टार्ट करिए। यदि किसी भी तरह की परेशानी होती है तो आप हमें इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, यहाँ पर हम आपको सारी जानकारी देंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर हम नेक्स्ट अपडेट देंगे। थैंक यू, जय हिंद।